जगद्गुरु शंकराचार्य और पद्मभूषण पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज मंगलवार को ब्रह्मलीन हो गए। बुधवार को शाम 4 बजे भारत माता जनहित ट्रस्ट के राघव कुटीर के आंगन में समाधि दी जाएगी। लंबे समय से चल रही बीमारी के चलते देहरादून के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। भारत माता मंदिर के संस्थापक निवृत्त शंकराचार्य पद्मभूषण महामंडेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी का जन्म 19 सितंबर 1932 को आगरा में हुआ था। उनका परिवार उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है। संन्यास लेने से पहले वो अंबिका प्रसाद पांडे के नाम से जाने जाते थे। सेवा भाव की अधिकता के कारण उनका मन मानव और धर्म सेवा में अधिक लगता था और सांसारिक जीवन से उनका कोई प्रेम भाव कभी नहीं रहा। जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद के गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद ने 2004 के सिंहस्थ में सबको चौंका दिया था। इस दौरान उन्होंने हरिजनों के साथ स्नान और भोजन किया था। इसी क्रांतिकारी पहल करने वाले पहले संत थे। 2016 में यही काम भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने किया, लेकिन राजनीति स्वार्थ के चलते संत समाज ही विरोध में खड़ा हो गया था। स्वामी सत्यमित्रानंद के पिता शिवशंकर पांडे ने उन्हें बचपन से ही अध्ययनशीलता, चिंतन और सेवा का पाठ पढ़ाया था। यही वजह थी कि वो अपने बाल्यावस्था से ही अध्ययनशील, चिंतक और निष्प्रही व्यक्तित्व के धनी हो गए थे। सेवा भाव की अधिकता के कारण उनका मन मानव और धर्म सेवा में अधिक लगता था और सांसारिक जीवन से उनका कोई प्रेम भाव कभी नहीं रहा। उनकी इसी खूबी के कारण विदेश में भी उनकी ख्याति थी। उन्हें सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और समन्वय भाव के प्रसार के लिए विश्व के 65 से अधिक देशों की यात्रा की थी। उनकी इन्हीं सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।